हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। अरे, नया वीडियो लाया हूँ इको वोल्ट का। आप लोगों ने बहुत डिमांड किए थे कि मॉसफेट का जो भी ओवरलोड का प्रॉब्लम है ये दिखाइए, तो इसको तो देखने का ज़रूरत नहीं है लगा के, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसको तो ओवरलोड दिखाएगा ही, ठीक है? तो आप जब भी इसको ऑन करेंगे तो ऐसे आपको ओवरलोड दिखाएगा, ठीक है? ये प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने इसका फीडबैक नहीं दिया है, ऐसे भी ओवरलोड दिखाएगा वो। बट मैं आपको दिखाता हूँ आगे का क्या प्रॉब्लम है इसमें। इसका पूरा मॉसफेट ही जल गया, देखिए। ये मैं अभी आपको खोल के दिखा, तो इसका देखिए एकदम पूरा मॉसफेट ही जल गया इस तरफ का, ठीक है? आप शायद देख रहे हैं, इसका दोनों तरफ का मॉसफेट जल गया इधर का, देखिए, ठीक है? और जो भी इसका रेजिस्टेंस और जो भी जिनर डायोड है, तो आज आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसके जिनर डायोड को वोल्टेज कितना है और रेजिस्टेंस कौन से जला है, क्या जला है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है कि तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसका वीडियो मैं बहुत बना चुका हूँ, ठीक है? तो आप लोग जाके पहले वो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको पूरा ड्राइवर वोल्टेज की इसमें से कितना निकलता है सब कुछ आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है? इसका करीब 8-10 वीडियो बन गया है, तो आप लोगों ने मॉसफेट का भी वीडियो बोले थे, तो इसीलिए मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है? और एक बात है, अगर आपको कुछ भी कंपोनेंट चाहिए होगा, जैसे कि ये ड्राइवर आईसी, ये डायोड रेजिस्टेंस, जो भी चाहिए होगा, ठीक है, ये LM317D2, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर, जो कुछ भी चाहिए होगा, मॉसफेट, ये सब मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा, www.electricallearner.in, ठीक है? उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं, अच्छा लगे तो ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो टाइम वेस्ट ना करके। तो देखिए, अभी तो फिजिकली हमको दिख रहा है कि इसका चार मॉसफेट ख़राब है इधर से, ठीक है ना? इधर से दो, इधर से दो, ये आपको दिखाऊं, इधर से दो और इस तरफ से दो, ठीक है? ये चारों मॉसफेट ख़राब है, ये कुछ रेजिस्टेंस ख़राब है, पूरा दिख रहा है इसको फिजिकली हमको कि ये रेजिस्टेंस ख़राब है, ये चार मॉसफेट ही ख़राब है। इस तरफ का अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरफ का तो दिख तो रहा है ऐसे ओके ही है, बट हम इसको अभी मीटर से लगा के देखेंगे, ठीक है? मीटर से भी एक बार चेक करेंगे। मॉसफेट का नंबर है IRLB 4132, ठीक है ना? देख लीजिए IRLB 4132, इधर से तो सब कुछ मुझे ओके ही दिख रहा है, खाली बस दो चैनल का उड़ा है शायद, ठीक है ना? क्योंकि उठता है एसी दो चैनल से, या तो ये दो चैनल उड़ेगा, नहीं तो ये दो चैनल उड़ेगा। जैसे दो चैनल उड़ जाएगा, तो ये दो चैनल उड़ा मीन्स इसका मतलब मुझे लगता है कि ये पावर जाने के बाद इन्वर्टर में हुआ है, क्योंकि अगर चार्जिंग में होता तो इधर का दो चैनल उड़ता, नहीं तो इधर का उड़ता। हो भी सकता है कि चार्जिंग में भी उड़े, हो सकता है कि, बट ज़्यादातर केसेस 90% केसेस होता है कि ये इन्वर्टर मोड में उड़े, ठीक है? इन्वर्टर मोड में उड़ने के टाइम पे ये दोनों उड़ता है, ठीक है? तो ये दो उड़ गया, तो अभी इसको पहले हम क्या करेंगे, ये चार मॉसफेट को निकाल लेंगे, इस तरफ का जो दो और इस तरफ का दो, ये चार निकाल लेंगे। निकालने के बाद ये रेजिस्टेंस, ये डायोड जितना भी है, ये सब कुछ निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर बाद में हम उसको चेक करेंगे मीटर से, क्योंकि इसको पहले मीटर से चेक कर लेंगे, हो सकता है कुछ जो भी वोल्टेज है इसमें, जो क्योंकि इसमें तो ख़राब हो गया, तो वोल्टेज इसमें से जल्दी पास हो जाएगा, तो उसमें से हो सकता है कुछ हमको ना मिले रीडिंग बराबर से, तो हम पहले इसको रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद फिर बाद में उसका रीडिंग देखेंगे, क्योंकि हमको पता चल गया है कि इधर का चार मॉसफेट खराब है। ऐसे पता चल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं पता चले तो हमको ढूंढ लेते थे, बट इसमें तो हमको पता चल रहा है, तो हम पहले इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम फिर इसको चेंज करेंगे, तो पहले हम इसको निकाल लेते फिर बाद में आपको दिखाते। तो दोस्तों, अभी देखिए हमने इसको पूरा ओपन कर लिया, ठीक है? जो भी मॉसफेट था, ये मॉसफेट हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है? चार मॉसफेट टोटल, दो मॉसफेट कहाँ गया, इधर उधर ही भरा होगा, बट किधर है नहीं मालूम, बट हमने चार मॉसफेट, हाँ इधर है। तो देखिए हमने चार मॉसफेट निकाल लिया इसका, जो कि चार मॉसफेट पूरा ख़राब था, इसको तो चेक करने का ज़रूरत नहीं है, ये पूरा डैमेज आपको दिख ही रहा है, ठीक है? तो उसमें चेक करने का ज़रूरत है ही नहीं, इसको ऐसे ही दिख रहा है कि ये डैमेज है। तो इधर से चार मॉसफेट हमने निकाल लिया, और इधर से हमने जो भी रेजिस्टेंस था ख़राब, हमको दिख रहा था कि ख़राब हो गया, हमने इसको निकाल लिया, ठीक है? तो इसमें से ज़्यादातर गेट का रेजिस्टेंस था, जो कि 10 ओम का है। तो 10 ओम का रेजिस्टेंस का क्या है, इसमें आपको दो तरीका का मिल सकता है, एक तो 100 लिखा हुआ रह सकता है, 100, ठीक है, वो भी 10 ओम का है, और किसी किसी में लिखा रहेगा 10R कुछ करके लिखा रहेगा, ठीक है, 10R0, 10R ऐसा करके लिखा रहेगा, वो भी 10 ओम का है, ठीक है? तो 10 ओम का गेट रेजिस्टेंस लगा रहेगा, और उसके साथ में एक 100 ओम का, 100 किलो ओम का एक गेट रेजिस्टेंस लगा रहेगा, जो कि ग्राउंड के साथ रहेगा, ठीक है? तो दो रेजिस्टेंस रहेगा, एक तो 10 ओम का और एक 100 किलो ओम का, ठीक है? दो रेजिस्टेंस लगा रहेगा, ये दो रेजिस्टेंस ही ये गेट के पास लगा रहेगा। और इसमें से जो जिनर डायोड लगा है, ये ZD2 और ZD3, ये 15 वोल्ट का जिनर डायोड है, ये हमने चेक कर लिया, ये ख़राब तो है नहीं, ठीक है? फिर बाद में जब वोल्टेज ड्रॉप होगा फिर देख लेंगे, बट अभी मेरे मीटर में इसको ख़राब नहीं दिखा रहा है, ठीक है? तो
ये जो आप पूछ रहे थे ना कि इसका जीनर वोल्टेज कितना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो ZD3 ZD2, ठीक है, ये 15 वोल्ट का जीनर डायोड है। और उधर से ZD1 दिखाई देता हूँ आपको, ठीक है। इधर से जो दो दो ही जीनर है, तो इसमें से ZD1 और ZD4 ये भी 15 वोल्ट का जीनर डायोड है, ठीक है। तो आपको कभी भी अगर मॉस्फेट के पास गेट में जो जीनर डायोड अगर चेक करना है, तो उसका कोड नहीं लिखा रहेगा, बट ये 15 वोल्ट का जीनर डायोड है, ठीक है। तो 15 वोल्ट का जीनर डायोड लगा सकते हैं एसएमडी वाला, ठीक है। और इसमें जो इधर जो जीनर डायोड लगा है ड्राइवर के पास, इसका ग्लास डायोड है, ठीक है ना, ग्लास टाइप में एक डायोड आता है, वो डायोड है। वह पकड़ लीजिए इसका कुछ 80 वोल्ट के करीब करीब आता है, क्योंकि मैंने जब इसको 80 वोल्ट तक लेके गया तब भी इसका कोई मेजरमेंट नहीं आया था। तो उसको आप नॉर्मल डायोड भी लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि इसमें ZD नहीं है, इसमें डायोड है। तो ये ग्लास टाइप का डायोड है, तो आप उसमें इसको वो लगा सकते हैं। बट ये जो मॉस्फेट के पास जो लगा है, जो गेट के पास जो डायोड लगा है, वो जीनर डायोड है, जो ZD करके लिखा हुआ जीनर डायोड है, 15 वोल्ट का जीनर डायोड है, ठीक है। तो आप लोगों का जो कमेंट था, मैं वो भी आपको समझा दिया, तो इसीलिए बोलता हूँ वीडियो पूरा दिखा कीजिए। मैं कब कौन सा बातें बोल दूंगा आप लोगों को भी नहीं मालूम चलेगा। तो अब ये मॉस्फेट लगाने से पहले मैं कुछ उसको चेक करूंगा, क्योंकि मॉस्फेट लगाने के बाद अगर प्रॉब्लम हो जाए तो मॉस्फेट ख़राब हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, मॉस्फेट लगाने से पहले इसको हम सब कुछ चेक करेंगे, फिर बाद में इसको मॉस्फेट लगाएंगे। तो कैसे चेक कर दे ये भी चलिए हम आगे देखते हैं। तो इसको कंटिन्यू रखते हैं। तो इसको पावर देने से पहले हमारा जो ये जो चार मॉस्फेट थे दो चैनल का, इसको पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये ठीक है कि नहीं है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, मैंने पहले भी दिखा दिया था आपको कि इसको चेक करने के लिए जो हमारा मॉस्फेट है उसको हम क्या करेंगे। हम इधर से अगर दिखा पीछे से दिखाएंगे तो आपको अच्छा होगा। जो नेगेटिव वाला प्रोब है ना, ये हम ड्रेन में रख देंगे, और पॉजिटिव वाला प्रोब से हम इसको एक इस तरफ देखेंगे, ठीक है। जो कि एक डायोड का जितना भी वोल्टेज है ड्रॉप, देखिए मीटर में दिखा रहा है, ठीक है, डायोड का जितना वोल्टेज है वो मीटर में दिखा रहा है। अब अगर हम उसको गेट की तरफ पकड़ेंगे, तो देखिए गेट की तरफ पकड़ने से भी एक डायोड की, क्योंकि ये किस लिए दिखा रहा है, क्योंकि इसके साथ जो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस लगा है उसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, मिस सॉरी वोल्टेज जा रहा है, तो इसको दिखा रहा है वोल्टेज। बट अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप मॉस्फेट को ओपन कर लीजिए, ओपन करके आप चेक कर लीजिए तो बेटर होगा इसमें, ठीक है। तो मैंने तो चेक कर लिया, क्योंकि मुझे इस पर एक्सपीरियंस है, तो मुझे मालूम चल जाता है। बट आप लोग भी जब भी कर लेंगे तो आप लोगों को भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल नहीं भी हो सकता है, बट फिर बाद में आपको उसमें से हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसको चेक कर दिया, ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। गेट का वोल्टेज इतना तो ड्रॉप होता ही, सॉरी सोर्स का वोल्टेज इतना ड्रॉप होता है, गेट का रेजिस्टेंस के कारण हो जाता है। तो अभी हमने इसके दो मॉस्फेट चेक कर लिया, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको आगे जाके देख लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर मॉस्फेट में प्रॉब्लम होगा तो आगे मैं इसको वर्चुअल फीडबैक देके मैं उससे रीडिंग ले लूँगा, और उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हम उसको चेंज कर देंगे। बट अभी के लिए फिलहाल वो सही दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको फिर लगाने से पहले हम पहले देखेंगे कि ड्राइव आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों अभी देखिए हमने क्या किया, उसको एक एक मॉस्फेट लगा दिया, जो मॉस्फेट ख़राब हुआ ना एक एक मॉस्फेट लगा दिया। और इसमें जो भी रेजिस्टेंस था 10 ओम का, ये तो मेरे पास नहीं था, ठीक है। बट मेरा क्या है, जेलियो के अंदर मेरा जो 10 ओम का रेजिस्टेंस था, जो मेरा बोर्ड पड़ा था ना बहुत ख़राब, उसमें से बहुत पार्ट से मैं निकाल के इसमें से इधर किया, ठीक है। तो इसमें 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा रहा है, इसमें भी नहीं है, खोल के लगा लिया था, तो इसमें भी है, ठीक है। बट मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है, बट इसमें एक दो मिल जाएगा जिसमें से मैं काम चला लूँगा अभी के लिए फ़िलहाल। बट आप लोगों को अगर चाहिए नया, तो आप लोग मेरे वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। शायद आज नहीं मिल सकता है, बट कल आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है ना। आप ट्राई करते रहिए, आपको ज़रूर मिल जाएगा उसका, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको फीडबैक देंगे, वर्चुअल फीडबैक देंगे, क्योंकि क्या है माइक्रोटेक में जैसे बिना मॉस्फेट का आप फीडबैक दे के ले सकते थे, मीन्स बिना फीडबैक का भी बिना मॉस्फेट लगा के आप ड्राइव चेक कर सकते हैं। बट इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसमें ना ड्रेन के साथ साथ एक कुछ वोल्टेज मिलता है जो कि वो सेंस करता है ड्राइवर आईसी। तो वो वोल्टेज अगर सेंस नहीं हो पाएगा तो ये ओवरलोड प्रोडक्शन में चला जाएगा, चाहे फीडबैक दीजिए ना दीजिए। तो उसको क्या करना होगा, आपको एक एक मॉस्फेट लगाना पड़ेगा ताकि वो ऑन हो जाए, फिर बाद में वर्चुअल फीडबैक देके उसको ऑन करके देखना पड़ेगा, फिर बाद में उसको ड्रेन चैनल का सही। तो वर्चुअल फीडबैक हम देते कैसे है, ठीक है। तो उसको मैंने बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ पहले, ठीक है, वर्चुअल फीडबैक कैसे देते हैं। हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को जो ना, ये मेरा मॉडल है, ठीक है, इसको हम नहीं छोड़ते, क्योंकि
इससे ही हम सब कुछ रिपेयर करते हैं। एक तो ये वाला है 1050 का, इसमें से ही पूरा चल जाता है, 1050, 1650 सब इसमें ही चल जाता है। और ये जेलियो वाला है, ठीक है, जेलियो और 1050 दोनों का अलग अलग है। ये दो डब्बा रखे हैं हम, क्योंकि हम तो खाली ओनली बोर्ड लाते हैं भाई, हम इन्वर्टर नहीं लाते, ओनली बोर्ड लाते हैं घर में, इधर रिपेयर करके फिर दे देते दे। तो जेलियो वाला भी अभी उधर ही पर आया है, क्योंकि ये दोनों एक ही साथ में हो रहा है। एक सुकेम का है, इसको भी रिपेयर करेंगे, मैं हम आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसफार्मर को मीन इसका जो 220 वोल्ट का है ना, इसको हम पावर दे देते। तो ये जो है ये सब मेरे जुगाड़ हुए, ये सब आप लोग मत कीजिएगा, आप लोग प्रॉपर से कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो जो मेन ट्रांसफार्मर का जो भी हम ड्रेन वायर मीन्स जो हमारा इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर होता है, जो 1050 का, ये 220 वोल्ट का होता है, जो कि येल्लो और ब्लैक होता है, ठीक है, ये 220 वोल्ट होता है। इसमें हम डायरेक्ट 220 वोल्ट दे देते, ठीक है, और ड्रेन चैनल उधर से ओपन रहता है, ड्रेन चैनल ओपन रहता है और अलग अलग रहता है, नहीं तो फिर उधर पावर चला जाएगा, एक साथ हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो उधर से ड्रेन चैनल तो ओपन ही रहता है, ड्रेन चैनल का हमको कोई काम नहीं है, वर्चुअल फीडबैक में ड्रेन चैनल ऐसे ओपन छोड़ देते और इधर से 220 वोल्ट दे देते। और ये वाला जो फीडबैक का वायर है ना, ये फीडबैक का वायर हम इसको फीडबैक के दे देते हैं, देखिए ये वाला फीडबैक है, फीडबैक में दे देते हैं। तो फीडबैक के देने का भी एक तरीका है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। पहले हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, बैटरी कनेक्टेड थोड़ा टाइम रुकेंगे, एक 10 सेकेंड रुकेंगे, जब बीप दे बंद हो जाए, सब स्टार्ट हो जाएगा, रिले का ऑपरेटिंग हो जाएगा, तब जाके हम उसको पावर लगाएंगे। पावर लगाने के बाद इसमें पावर आएगा और फिर बाद में उसको स्विच ऑन करेंगे, ठीक है ना। अगर आप इसको बैटरी कनेक्ट करने से पहले ही उसको पावर दे देंगे और फिर बाद में इसको ऑन करेंगे, ऑन नहीं होगा, ये तो ओवरलोड दिखा देगा, नहीं तो स्क्रीन का मेन का एलईडी, चार्जिंग का एलईडी एक साथ ग्लो होने लगेगा, ऐसा ब्लिंकिंग करने लगेगा, तो नहीं होगा। मैं जैसा प्रोसेस बताता हूँ वैसे फॉलो करेंगे, तभी जाकर आप इसको कर पाएंगे। क्यों हम वर्चुअल फीडबैक देकर ऑन करते हैं, इसमें क्या होता है, अगर बाई चांसली कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, वर्चुअल फीडबैक में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो इधर आपको मॉस्फेट तो नहीं उड़ेगा, आगे का जो भी प्रॉब्लम है वो सब आपको दिखाई देगा। बट अगर आप ड्रेन चैनल कस देंगे और फिर बाद में जाके चेक करेंगे उसमें, तब उसका आपको मॉस्फेट उड़ने का बहुत चांसेस ज़्यादा होता है। बट इसमें क्या होता है, आपको मॉस्फेट तो नहीं उड़ेगा, बट जो भी आपका रेजिस्टेंस वेजिस्टेंस है वो आपको पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो इसलिए हम वर्चुअल फीडबैक देते डायरेक्ट ऑन करने से पहले, वह कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो इधर से ख़राब हो जाए, हमारा मेहनत भी नहीं बर्बाद हो जाए, ठीक है। तो अभी चलिए उसको वर्चुअल फीडबैक देखिए, उसको ऑन करते हैं अभी। तो अभी हमने इसमें ना मेन 220 वोल्ट कनेक्ट कर दिए है, ठीक है, इधर से ड्रेन चैनल ओपन है, इधर से हमने फीडबैक को लगा दिया, देखिए इसको फीडबैक को लगा दिया, और इधर से हमने इन्वर्टर को अभी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बट इन्वर्टर अभी तक ऑन नहीं किया, ठीक है, ये बैटरी से 12 वोल्ट का बैटरी से कनेक्टेड है, बट इन्वर्टर ऑन नहीं हुआ। तो अभी अगर हम इन्वर्टर ऑन करेंगे तो देखिए इन्वर्टर ऑन हो गया बीप देखे, ठीक है। बट अगर हम बैटरी कनेक्ट करने से पहले मेंस दे देंगे और फिर बाद में इन्वर्टर ऑन करेंगे, तब ये जो मेंस और चार्जिंग वाला एलईडी है ये ब्लिंक करने लगेगा और पी 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 बजता रहेगा। तो मैं जैसे बोला वैसे कीजिए, पहले बैटरी कनेक्ट कीजिए, बैटरी कनेक्ट करने के बाद यूपीएस मत स्टार्ट कीजिएगा, यूपीएस के स्विच को ऑफ रखिए, फिर बाद में आपको मेंस 220 वोल्ट कनेक्ट कीजिए ट्रांसफार्मर के साथ, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद फिर बाद में आप इन्वर्टर का स्विच ऑन कीजिए, तब जाके वर्चुअल फीडबैक देके उसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। बिना फीडबैक के ऑन नहीं होगा, बिना फीडबैक के ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है, ये आपको सभी को मालूम है और मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। तो अभी आपको पता चल गया होगा, ठीक है, इसको कैसे करते हैं हम लोग। अभी हम क्या करते हैं, पूरा सब कुछ लगा लेते हैं, लगाने के बाद में हम उसको फिटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी देखिए इसको पूरा हमने लगा लिया मॉस्फेट, ठीक है, मॉस्फेट जितना था ये सब कुछ लगा लिया और जितना भी रेजिस्टेंस था पूरा सब कुछ दे दिया। तो अभी तो ये ऑन है, तो अभी टेस्ट में इसका पास हो गया, मैंने टेस्ट भी कर लिया था, बट इसका फ्यूज़ अभी तक नहीं लगाया, क्योंकि ये मेरे पास नहीं है, ये किसी दूसरा का है, उसने मुझे दिया था रिपेयर करने के लिए, तो मैंने उसे कर दिया, तो ये मैं उसका उसको दे दूंगा। बट आपको कुछ भी कंपोनेंट चाहिए होगा आप ज़रूर विजिट कीजिए www.electricallearner.in, और मैं बहुत जल्दी ये सब जो रेजिस्टेंस है और जो जीना डायोड है ना उसका पूरा कॉम्बो पैकेज ला रहा हूँ, कि आप लोगों को तकलीफ ना हो, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि आप लोगों को ये भी थोड़ा कन्फ्यूज़ होता है कि जीना डायोड कितना वोल्टेज का है, अरे जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस कितना नंबर का है, कैसा है, ये तो माल मिल जाता है कि 10 किलो ओम का है कि, क्योंकि ये सब तो मिल जाएगा, बट ये कौन सा नंबर का ये नहीं मालूम चलता है। तो इसके लिए मैं सब कुछ दे दूंगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो भी एसएमडी है ये नंबर के हिसाब से चलता है। अगर आप लोगों को एसएमडी रेजिस्टेंस के लिए अलग से वीडियो चाहिए तो आप लोग बोल दीजिएगा, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।